महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में उनके शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ IPC की धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दाखिल की पत्र याचिका। हाईकोर्ट में पत्र याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग भी की जा रही है। प्रयागराज के DM और SSP को तत्काल बर्खास्त करने की याचिका में मांग की गई है। आपको बता दें कि देश भर में अपने बयान से सुर्खियों में रहने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव अल्लापुर में श्री मठ बागम्बरी गद्दी के कमरे में फंदे से लटका मिला। मामले में पुलिस ने उनके शिष्य योग गुरु आनंद गिरी, लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की सुबह ही बैठक होगी। बैठक के बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए सुबह 11:30 बजे मठ बागम्बरी गद्दी में लोगों को कराया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ भी मठ बागम्बरी पहुंचेंगे। CM योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि भी देंगे। जी, यहां पर अभी उसका उनका जो आइस बॉक्स है, जो कूलिंग बॉक्स है, उसके अंदर उनका पूरा शव सम्मान के साथ रखा जाएगा। उस पर जो पुष्पांजलि, जो भी महानुभाव, जो भी उनके संत के शिष्य लोग जो भी पुष्पांजलि करना चाहेंगे उनको अवसर रहेगा, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, कुछ महान जी बड़े विख्यात थे, तो देश भर के संत भी आ रहे हैं, माननीय योगी जी भी के आने की कोई संभावना है? अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो भी उनसे लगाव रखने वाले जो महानुभाव आएंगे, जो उनके शिष्य आएंगे, तो उनके दर्शन के लिए उनका शरीर यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।